इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए, और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम।